सारी कहिंदे ये भी रिश्ते झूठे ने, ये भी जिहड़े रिश्ते ने झूठे ने। नहीं बिरती सुर जाचक ना दाता है। दुनिया विच दानी भी ने भिखारी भी ने, वह भी आपस च बड़ा प्रेम जताते, जिन्हों थोड़ी बहुत माया मिलती रही गफा मिलता रहा, आप ही कही ना मेरा बड़ा प्रेम है, पर कहिंदे ये तो झूठा है। ये जिन्या भी रिश्तेदारियां ने ना ये सब झूठिया ने, जो भी कुछ नजर आ रहा है। वह कहिंदे जिहड़ा पक्का रिश्ता है ना, पक्का जिहड़ा गूढ़ा नाता है, लवा नाल धारना पढ़ो फिर विचार करिए। जिवें भाई जोगे नूं उहदी मां ने आख्या सी ना, तू ते हो गया साधां जोगा, घर दे धंदे कौन करू। वह कहिंदा माता ये जिहड़े नाते ने ना दुनिया दे, ये नाते झूठे ने, ये जिहड़े नाते ने ये बिन सुनहार ने। प्यारे जी झूठी है प्रीत जग दी, 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 प्यारे जी बसन काहू मैं ना देखियो कोई, जैसे गुर सिख साध संगत को नाता है। कहिंदे नाना नानी सारे रिश्तेदारियां गिणियां ने ना, पिता पितामा पर पितामा, पिता भी दादा भी पड़दादा भी, सारी रिश्तेदारियां गिणियां, नानी भी पड़नानी भी ओदी मां भी, अगों ना मामा ना मामी ना मासी ना मासड़, सारे रिश्तेदारियां गिणियां, ना सस ना सौरा, ना सस ना सौरा, सारा वो सारी सारिया रिश्तेदारियां गिण के भाई साहब कहिंदे जिहड़ा असली नाता है ना, असन बसन काहूं मैं ना देखियो कोई, जैसा गुर सिख साध संगत को नाता है। जिहड़ा असली नाता है ना सिख दा ते सतपुरशां दा, कहिंदे भाई ये असली नाता है, असली बाकी नाते सब झूठे ने, इहो जिहा नाता ही नहीं कोई। ते जे ये नाता सब नालों वड्डा है ते फिर विछोड़ा भी सब नालों वड्डा ही पैणा। जे ये नाता पक्का है, जे ये प्रीत सच्ची है, जे साध संगत जी ये नाता बहुता पक्का है ना, ते जदों विछोड़ा पएगा दुख भी उड़ा ही वड्डा होना। पिता का विछोड़ा झलना सौखा है, मां का विछोड़ा झलना सौखा है, दुनिया झलदी है, मां का विछोड़ा चलना सौखा है, दुनिया के हर मैंबर का विछोड़ा असी संसार के लोगों का चल सकते हैं, पर किसी सतपुरख का विछोड़ा नहीं चल सकते, ना वो भुलते ने कदे। दुनिया के हर माता पिता भुल जाते, सब दो चार साल ज्यों ज्यों समा ज्यादा हो जाता है तो सत संग जी जो दुख है वह घटता जाता है, पर सतपुरशा का काम यह है भी ज्यों ज्यों समा ज्यादा लंघी जाता दुख जो दिन रात बढ़ता जाता, वो जिहड़ा दुख है ना वो वधदा जाएगा, घटदा नहीं सगों वधदा ही है। इसे करके आख्या दुख विछोड़ा, सब नालों वड्डा दुख विछोड़े दा है। दुख विछोड़ा एक दुख भूख, एक दुख सख्त वार जमदूत, एक दुख रोग लगे तन ताए, वैद ना भोले दारू लाए, दारू लाए, ये सब नालों वड्डा दुख विछोड़े दा जिहदा इलाज नहीं कोई कर सकता।
ते साथ संगत महापुरखां दे नाल ऐसा प्रेम महापुरखां ने कीता, कुछ समा संगत कीती, ते तुहानू पता ही आ जदों असीं गोरा स्थानां उत्ते रहिंदे आ कई वारी इत्थे वी ईरखा हुंदी है, गुरद्वारियां च वी बड़ा कुछ हुंदा। महापुरखां कोल रहा ते मैं 2 साल 2-2.5 साल फिर वापस आ गया। ये कह लो भी कर्म माड़े होणगे, महापुरखां दी संगत च आउणा पिया, मजबूरी हो गई। ते संत बाबा रणजीत सिंह जी होनी बैठे जिन्होंने 12 साल महापुरखां दी संगत कीती, बड़ा नेड़ियों होके तकिया महापुरखां नूं, नेड़ियों होके ते साथ संगत उन्हां महापुरखां दी 2 साल दास ने संगत 2-2.5 साल कीती, वापस आ गया। पर प्रेम मन ते उत्थे ही सी ना, अजे आप भावें वापस गया पर मन उत्थे ही सी। ते फिर 99 दे विच महापुरखां ने कीर्तन शुरू की, वाहिगुरु 99 विच महापुरखां ने शरीर छड्डिया ते दास ने भी आ कीर्तन करना 99 च शुरू कीता। जनवरी च दवान लगे एक पिंड दे इश्तिहार लैके चले गए संतां को, उह नाल दे विच कई रखालू भी हुंदे ना, उन्हां ने जाके आ वेखो जी आ वेखो ये जी संत ने जी, ये हुण अपने कोल रह के ते हुण संत बन गए। ते महापुरख कहिंदे उह भोलियो फिर केड़ी गल आ, राड़ा साहब का नाम लिखिया होया, वो जे तुरनगे ते प्रचार ही करनगे तुहानू की हुंदा आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। नालदियां नूं ते इह सी ना भी किवें ना किवें हटा देण, जे महापुरखां ने कहता भी कीर्तन नहीं करना ते इहने आप ही बंद कर देना, ते इहदे विच भी कोई शक नहीं। जे महापुरख कहिंदे भी कीर्तन नहीं करना ते फिर नहीं करना, पर उह कहिंदे क्यों? उहनां ने ते दात दित्ती सी, उहनां ने ते बख्शिश कीती सी, उह क्यों कहिंदे महापुरख? और गए ते रखालू नाल दे उन्हां कहण वास्ते ही सी, पर महापुरखां ने कृपा ही कीती, बख्शिश कीती। ते साध संगत जून महीने विच जिहड़ा हुण महीना चल रहा, कल दा जिहड़ा दिन लंघिया 14 जून, महापुरखां ने अपने 5 भूतक शरीर का परित्याग किया। काफ़ी समय तो शूगर सी, शूगर राड़ा साहब वालिया नूं शूगर ते कह लो भी विरसे च ही मिली है। जिन्हें महापुरख राड़ा साहब वाले होंगे ना, ज्यादातर शूगर जरूर होंगी है। एक प्रेमी ने भी दसिया सी, सुनी सुनाई गल है, कहिंदे वह दसदा कहिंदा जी महापुरखां कोल एक परिवार आया, उन्होंने आके एक बर्फी का डब्बा इदा ना मठियाई का भेट किया, आके कहिंदे बाबा जी शूगर है महाराज जी। महापुरख सेवादार सारे महाराज जी आओ प्रसाद लैन आ गए, वो प्रसाद थोड़ा थोड़ा सारिआं नूं वंडदा, कहिंदे कोई नहीं लो तुहाडी बीमारी थोड़ी थोड़ी सब नूं देती सारिआं नूं। ते जां फिर ये कह लो भी ये जिहड़ी शूगर की बीमारी आ ये हुंदी है बहण वालिआं नूं ज्यादा, जिन्हां ने ज्यादा बैठना है, जिन्हां दा भज दौड़ दा काम नहीं बहुता, उन्हां नूं शूगर हो जांदी। मैं कैनेडा विच सी, उत्थे मैनूं डॉक्टरां ने कहता कहिंदे शूगर आ तुसीं ध्यान रख्या करो, ते हैरानी डॉक्टर हैरान हुंदा जी, कहिंदा उमर किन्नी तुहाडी? मैं कहा 22 साल होनी। वो कहिंदे भी इस उम्र विच कदे शूगर नहीं होई, चलो ये 40-50 साल तक तो हो जाती बाद च जाके, महापुरखां नूं 50 साल तो बाद होई शूगर। ये शूगर ज़्यादातर बैठने वाले ज़्यादातर हो जाती बीमारी शूगर की। तो शूगर की बीमारी भी एक नाम मुराद बीमारी है जी, छेती छेती ठीक नहीं होंगी। तो साध संगत जी वो शूगर ऐसी वधी सन 92 तो लैके फिर शरीर ढिला रहना शुरू हो गया, काफ़ी ढिला रहा, कई कई दिन हॉस्पिटल में दाखिल हो जाना, फिर आ जाना, फिर एडमिट हो जाना हॉस्पिटल में कई कई दिन। दिल्ली भी दवाई चलती रही, लुधियाने बहुत जाना दयानंद विच, ते 2-4 महीनों पिछों फिर 5-7 दिन हॉस्पिटल, फिर अस्थान ते इदां क चलता रहा काम। फिर डॉक्टर ने कहता कहिंदे शूगर गुरदिआं नूं पै गई, गुरदे खत्म हो गए 7-8 सालां दे विच पाणा वरत गया। वह कहिंदे शूगर जिहड़ी आ ना हुण गुरदिआं नूं खत्म कर चली। तो बेनती की संगतां ने कहिंदे महापुरशो महाराज जी आप जी की सानू बड़ी लोड़ है, आप जी दे ते दर्शन ही दुर्लभ ने, साधुआं दे नाम वचन करो भावें तुहाडी मौज जे कथा नहीं करोगे सर जाएगा, पर आप जी कृपा करो सानू दर्शन ही देंदे रहो ते आप जी इलाज कराओ। ते डॉक्टर कहिंदे ने भी जे एक किडनी जिहड़ी आ गुरदा जिहड़ा कहिंदे बदलिया भी जा सकदा, बदलिया जा सकदा, 2 हुंदे ने साडे शरीर विच। ते फिर महापुरखां दे सेवादार ने हुण ओह उत्थे ड्यूटी निभा रहे ने, ते उन्हां ने
ਭਤੀਜਾ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਏ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਸੇਵਾ ਤੇ ਚਲੋ ਖੂਨ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬੋਲਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਿਹਤ ਵੀ